पानी बटल ला एमर उलट दोनों में दिखा एमर उलट दोनों बम बम थोड़ा है उलट दे उलट पुलदा उलट दे पूरा उलट दे उलट दे एमा काय उलट ये है हेर एम पटी था बारी के हे देखा सर हां आओ ये दे आओ ये देखा चल जाए कि के पानी बाटल हां ये दे पानी बाटल ये दे चद्दर हां झील ले ली हां दिखाए ला हां सर इसको आप भेजवा दो सर। अच्छा कोई नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ किस लिए इनको जरूरत है, वहाँ लोगों को जरूरत इसलिए। वहाँ पर क्यों जरूरत है, घर नहीं नहीं सर आप ये बताइए सर, ये प्राइवेट लैंड में क्यों कर रहे हैं सर कार्यक्रम? वो आप कलेक्टर से पूछ तो बुला दो आप सर, कलेक्टर साहब से ही निर्णय कर लेते हैं। बुला दीजिए आप, हम थोड़ी जाएंगे। मैं आपको घर द्वार सब ही बनाने का अनुमति भी देता हूं भाई। महाराज आप दिन प्रतिदिन आप समझे बात सर। अच्छा आपसे पूछूं सर, जब इतना नियम के बात किया ग्राम सभा अनुमति नहीं दी सर जन सुनवाई का, तो ग्राम सभा से बड़ा क्या संविधान क्या कौन सा कानून है बताइए आप? एकदम साहब बता दें, ग्राम सभा से बड़ा 1993 पंचायत अधिनियम के तहत क्या इनका आदेश पालन पालन करेगा? ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं, तो फिर उसका हम आदेश दिखा देते हैं आपको, तो फिर ये पंडाल यहाँ क्यों लग रहा है? चल इसका उत्तर दे दीजिए। नहीं सर ये शासन मनमाना कर रही है सर, आप नहीं शासन मनमाना कर रही है। मैं क्या बोल सॉरी सर, रोका जाए ऐसा मनमाना ना हो इसीलिए आम के सारा जी। अच्छा ये सर क्या हम लोग विरोध नहीं करें? अच्छा ये बताइए आप, ये तो मैं क्या हमारा विरोध कर वही बोलो विरोध करो आप, तो कहाँ करें बताइए? आप पंडाल प्राइवेट लैंड में लगा रहे हैं, आपको पंचायत भवन में पंडाल लगाना था। आप विरोध करो, कंपनी सुनवाई नहीं है, शासन सुनवाई नहीं है, जन सुनवाई है भाई। ठीक आपकी जनता के ही सुनने के लिए आ रहे हैं लोग। अच्छा आप ये बताइए, आप भी मुझे बताइए, भारत सरकार ने 3 कानून पास किया ना, किन किसी कानून पास किया ना, लाखों किसान हाईवे को जाम कर दिए सर, आपका प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चूंकि हम लोग कमजोर हैं, कम है, इसलिए आप हमको बोल रहे हो, उसके बाद क्या कर दिया प्रशासन बताओ? केंद्रीय और राज्य शासन ने उन किसानों को क्या कर दिया बताइए? आप गैर कानूनी धरना था, गैर कानूनी धरना था, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं कर रहा, आपका आई एस कर पाए ना, आपका आई एस कर पाए, और आज हम लोग को आप 200 लोगों को डरवा रहे हो सर। अरे महाराज डरा नहीं सर, सिर्फ सर भोजन नहीं देने दे रहे सर। आज से मेरा निवेदन है, हम आप लोग से नहीं बड़ा धरना में खाना पहुंचा था। एक मिनट सर, नहीं नहीं ये मनी नहीं रहा, सब बोले हो नहीं नहीं बात बोली, चलो इसको वापस ले, आप डराए नहीं, लेकिन सुनिए सर आप डरा नहीं बैठे, आप अपने घर में बैठे हो भाई। नहीं सर, सरकारी जमीन में सरकारी रास्ता में किसान बैठे, उसको शासन नहीं हटा पाए सर, सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा पाए सर, यहाँ घर में यहाँ पंडाल क्यों हो रहा है बताइए? आप ही बताइए सरकार क्या आदेश, सरकार क्यों आदेश दिया? क्योंकि पंचायत ने दिया। अच्छा आप एक मिनट दिखा सकते, अगर उस आदेश को आप दिखा दें कि प्राइवेट लैंड में शासन ने आदेश दिया, मैं उठा दूंगा। चलो आप ही दिखा दो सर, हम सब वापस चल देंगे, चल दिखा दीजिए प्राइवेट लैंड, आप एसडीएम है ना, चले दिखाइए प्राइवेट लैंड में पंडाल लगाने का अगर आदेश होगा हरियाणा विभाग का, तो दिखा दीजिए आप, चलिए दिखाइए दिखा, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, आप दिखा दीजिए मेरे, चलिए आप सही समय। ये सर तो अभी तो भोजन जाने दो सर, क्यों हम लोगों से आप टकराहट कर रहे हैं सर? प्लीज हम आपसे नहीं लड़ना चाहते सर, आप हमारे वरिष्ठ हैं। नहीं सर आप भी मेरे आदरणीय हैं सर, बिल्कुल नहीं, आप भी आदरणीय हैं सर, अगर आदमी भूखे मरेगा तो क्या करेगा बताइए? आप पर आदमी आप मालिक हैं। अरे नहीं सर प्लीज, ऐसा नहीं, हम मालिक नहीं सर, हम तनख्वाह पाते हैं, नौकरी करते हैं हम लोग, आप मालिक हो, आप 4 लोग नौकरी में रख सकते हो, मैं नहीं रख सकता। तो सर आप ये बताइए, चलिए आप ये भी बात मान लिया, ये बोल रहे हैं कि शासन का आदेश है, आप ये भी आदेश दिखा दीजिए कि खाना नहीं पहुंचा सकते, आप ये आदेश दिखा दीजिए, ये फैसला आपका है सर, अगर ये फैसला आपका है तो अनुमति दे दीजिए, आप हम नहीं जाएंगे। आदेश यही है कि आप बिना अनुमति कहीं पर धरना, ठीक है ना, जो धरना दे दिखाओगे अनुमति आपके पास कहीं धरने का है? नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, खाना हम आपको सभी बुलवा देंगे। धरना नहीं नहीं सर, धरना जो दे रहे हैं मैं तो नहीं दे रहा हूँ, मेरे घर में सर प्रदेश ना हम खाने पर आपत्ति कर रहे हैं, ना किसी पीने पर आपत्ति कर रहे हैं, ना किसी जाने पर कर रहे हैं, किसी जाने पर। तो सर आप भेजवा दीजिए अपने स्टाफ से सर, प्लीज नहीं जाएगा कोई, चलिए ना आप इतना तो आप कर सकते हैं, इतनी तो यही बोल रहे हैं, जान भाई खा के आपने नहीं से नहीं जाएंगे सर, उन लोग देखिए ईमानदारी बता रहा हूँ सर, हम कल भी आए थे सभा देख गए थे, परसों भी आए थे, हमने साफ बोला था कि हमको किसी भी को बेरहमी बोलना, किसी से झगड़ना नहीं, और ये गाँव वालों का निर्णय है सर, ये गाँव वालों का फैसला है, हम गाँव वाले के साथ हैं मॉरली और फिजिकली, लेकिन हम आप रोक दिए सर, हम रोक दिए, हम आगे नहीं जाएंगे सर जब तक आप नहीं बोलेंगे। वो भी गांव वालों को फैसला है जिन्होंने बोला है कि यहाँ पर जन सुनवाई हुई। कौन सा नहीं है ना भाई, पंचायत का प्रस्ताव है सर,
पंचायत का प्रस्ताव माने नहीं रखता, ग्राम सभा के अंदर एसडीएम साहब बैठे हैं। अगर ये बोल दें ग्राम सभा बड़ा की पंचायत पूछ लीजिए आप, मैं अभी उल्टे पांव चल दूंगा और पूरे लोग वापस जाएंगे। आप बोले तो पंचायत अधिनियम का धारा निकाल देता हूँ गूगल से। पंचायत के प्रस्ताव को ग्राम सभा खारिज कर सकती है बिल्कुल, धारा 37 के तहत। निकाल लीजिए आप कानून को, ठीक है, ओके। सही कह रहे हैं, ग्राम सभा ने निरस्त कर दिया सर। ग्राम सभा कौन करता है? गांव करता है ना भाई, कर दिया लोग आपके। एक बार वो कागज दिखाना तो, ग्राम सभा सर बोली की है कि जन सुनवाई नहीं होना चाहिए, प्रतिनिधि आपके हैं, गांव आपका है सर। चुप चाप जवाब तो खाने क्यों रोक रहे हैं सर? अभी तो लड़ाई खाने क्यों रोक रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, गलत बात है, उल्टी है भाई। सर गलत नहीं सर, मैं तो मालिकों से ग्राम सभा परसों बैठी थी सर, इस ग्राम सभा ने जन सुनवाई के विरोध में प्रस्ताव ईमानदार चुप चल रही है परसों दो ठीक है। मेरा निवेदन इतना ही सर, अब नंदू मिल देने हमारे जो होगा देखना भाई, आप अपने खाना और कपड़ा भेज दो बस। अगर ये आपके में है तो हम गाड़ी करवा देते हैं, आप खाना दिनेश जाएंगे चलिए। तो मैं बैठे धर्म ये भी नहीं आता, मैं तो बैठे रहा तो सर गांव वालों को मत रोको, भोजन खाने दो ना सर। सर तो सरकारी कार्यक्रम हाथ चौक कर रहे हैं सर, क्या पंचायत के पास जगह नहीं सर? जवाब आप जब सरकार कल आपके दरवाजे आएगी आप उनसे ले नहीं लेते ना सर? कल कलेक्टर साहब थे नहीं, एसडीएम साहब को हम जब परसों ज्ञापन देने बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके सामने बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मामला आप पोस्टमैन बन के हमारे आवेदन को भेज दीजिए, तो सिर्फ आवेदन लिए तो ये क्यों नहीं? तो सुनो सर, क्या ये पंचायत एसडीएम साहब के अंदर में नहीं आता? आता है, ये बोल देते कि आप लोगों ने ग्राम सभा किया है, जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये आपकी बात को मैं मानता हूँ, इसको मैं रिकमेंड करके भेजता हूँ, फैसला कलेक्टर साहब लेते। लेकिन इन्होंने साफ बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें एक्शन क्या हुआ बताइए? जन सुनवाई है ना, जन सुनवाई में भी ग्राम सभा पारित हुआ जो आप विरोध कर रहे हैं उसी के लिए तो कल जो आपका पत्र है ना वो कल की जन सुनवाई में भी वो रखा जाएगा फ्रंट, और उसका उसका सामने ही घोषणा होगा कि इसमें ये विरोध है ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का ये विरोध है, इसके समर्थन इसके विरोध में भी कोई बात है क्या? खुला मंच आपके पास है समर्थन? खुला मंच मैं सबको जन सुनवाई गया सर, और सीमेंट पार्क के समर्थन में गया हूँ, लेकिन जहाँ पर प्रदूषण होता है उसके विरोध में बोलता हूँ। मैं उद्योग का पक्षधर हूँ, पूरे गांव को बोल चुका हूँ, पूरा गांव जानता है कि मैं उद्योग के पक्षधर हूँ, बिना उद्योग के छत्तीसगढ़ भारत का विकास नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बात सर भोजन का, ये आप न सर भोजन का नहीं तरीके का, मान लो तरीका भी गलत है सर, मान लो तो आप करा दो सर, अपने तरफ से करा दो, चलो आप दो रोटी खिला दो सर, चलो ये कर दो आप हमारे ठिकाने में। नहीं नहीं आप अपने पुलिस विभाग से भोजन पैकेट मंगा दीजिए सर, बहुत नेताओं को खिलाए होंगे सर, आप इतने बड़े बड़े नेताओं को खिलाए होंगे, गरीबों को भी खिला दो सर, निवेदन है आपसे, कृपया एक बार गरीबों के लिए भी थोड़ा सा। आप ये बताओ बैठने से क्या फायदा किसको, अभी धरना से क्या होता है? देखिए एक बार बताइए ये विरोध कहाँ तक जा रहे हैं? मेरे पास सुनिए, कल जो होगा वो विरोध हल करिए ना भाई। आप सुनिए, आप मेरी बात पूछेंगे, मैंने गांव वालों को बोला था कि जब जन सुनवाई होगी तब पूरा गांव जाएगा और विरोध करना है, यही हम भी। लेकिन मैं गांव से बढ़ के नहीं हूँ सर, गांव अपने हिसाब से फैसला करता है। वालों की सुविधा का आप ख्याल रखिए, ये खाने के लिए आया सर, खाना देने के लिए। हम ये रुकना भी कुछ मत कर जाए, कल दिल्ली भी इतना लग रहा है वो भोजन करके भी आंदोलन में घोड़े का रहे पानी का है, और सारे लोग समझ गए उनके निर्णय तत्काल लेंगे वो लोग आपके सामने मौजूद है। तो सर हो सकता है आपकी दो रोटी से वो पिघल जाए, आप अगर दो रोटी दे दें पुलिस इतनी भी इंसानियत करती है सर? मैं तो पूरे भारत में देखता हूँ कि पुलिस कैदियों को भी खाना खिलाती है, रेपिस को भी खिलाती है, ये तो किसान है सर, तो इनको रोटी दे, आप रोटी दे दो सर, हमारी रोटी को छोड़ो आप। हमने किसी को निकलने से रोका है नहीं, आप तो बोल रहे हैं निकलने से हमने, प्लीज एड्रेस सर, रोटी आप दे दो, हम किसी को नहीं बोले कि आप मत जाओ खाने। अच्छा काम करिए, या तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दो। नहीं गिरफ्तार, क्यों गिरफ्तार? अब ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कर रहे हैं आप ही लोग तो बोल रहे हैं सर, एथिकल गलत है, कानूनन गलत है, गलत है सर। आप ये बताइए दूसरी की प्रॉपर्टी में सरकारी कार्यक्रम हो कैसे रहा? हेलो, वो सरकार उसका जवाब देगी ना कल? आपको हमको कोई जॉब ही नहीं मिल रहा सर, आप इतने दूर गाँव से दूर ताकि गाँव वाले बोल ना पाए, तो जवान को कुचलने वाली भी बात हो रही है ना, इतना दूर कोई आए मत,
ये भी तो एक बात हो सकता है। क्या अभी नहीं आए? आ है लड़के आ रहे हैं सर, आपसे प्रशासन से लड़के आ रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं सर। क्या हमने किसको रोका है? नहीं रोका हमने किसी को, नहीं नहीं खाने के लिए रोक रहे हैं सर आप। हाँ, हम उसके लिए रोकेंगे भाई। तो क्यों आप रोटी दे दो ना सर, खाना खाने से किसी के लिए। सुने ना, हम यहाँ कोई सामान ले करके बुलाओ यार, ओके करके जाने दो। हाँ बिल्कुल, एक आए वहाँ खाना खिलाओ, इनके सामने फिर तुम जाओ। हमारे सामने क्यों, जहाँ जाना है वहाँ जाके खाए। हम नहीं, सर आप सुने, मैं बोल रहा था सर, आप अगर हमारी रोटी हमारे कपड़े आप किसी ऐसे वीराने में नहीं पड़े हैं। किसान आंदोलन वीरेन देखिए आपको, सर मैं इनको पकड़ता हूँ, इन्हीं की सब बेटियां बहन है। इनका कहना यह है, हाँ हाँ बताइए, कि खाना तो जाने नहीं दे रही है। हाँ, तो या तो अपन खाना लेके सब चले या जेल चले, क्या करना बताओ। भाई सुनो, नहीं हल्ला नहीं करो, अरे बहस मत करो यार, चुप रहो, नहीं उठेगा, सुनो मैं, अरे जेल जावे, ये चाहे लाठी मारे चाहे जूता मारे, चलो हम लोग खाते हैं और सर हम लोग को जेल भेजो, हम लोग जाएंगे जाएंगे आपसे नेता नहीं बस जेल। सर आप लोग को भी डर है, सारा बोले तो नहीं, या तो तीन चार महिला को जेल भेजो। निवान भाई शांत रहो ना, बात हो रहा है। नहीं सर, ये तीन चार महिलाओं को जाने दो सर, या तो आप सबको उठा दो जबरदस्ती, चाहे आप तीन तो सर आप तुमको थाने और जेल ले जाइए। ऐसा खाना क्यों नहीं पहुँचने दे रहे सर? सब आप भी समझ रहे, कैसे करना भाई बताओ। भाई ये महिलाएं कहाँ, गांव वाले कहाँ, भिकम भाई कहाँ है? आ रहे हैं सर, बस रही आते 5 मिनट। सब कुछ